क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ओके तो बहुत इजी है एक आपके पास यहां पर ट्रायंगुलर बोर्ड है लाइक दिस ये देखिए ट्रायंगुलर बोर्ड है इस तरीके का करेक्ट ये देखिए और इसमें बच्चों आपको साइड्स दी हैं 6 8 एंड 10 करेक्ट इसका एरिया निकाल लीजिए ठीक है एरिया किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में चेक करो क्योंकि साइड किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर 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 तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहां पे देखिए रेट दिया हुआ है आपको पेंट कराने का इसको पेंटिंग का रेट दिया हुआ है कैसा 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना है 9 पैसे माइंड इट पैसे में दिया हुआ है तो पहले तो आंसर पैसे में आएगा और 100 से डिवाइड करोगे तो रुपीज में आएगा क्योंकि ऑप्शन रुपीज में दिया हुआ है ठीक तो चलिए एरिया इसका निकाल लीजिए हीरोन्स फॉर्मूला से तो सेमी पेरीमीटर निकालिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय ये ए बी और ये सी है करेक्ट तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू निकाल लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 6 14 14 प्लस 10 कितना होता है 24 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर नाउ फाइंड डेल्टा डेल्टा मतलब एरिया ओके एरिया इज इक्वल्स टू एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेक्ट चलिए फाइंड करिए स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज एस एस इज 12 नाउ 12 माइनस ए यानी कि 12 माइनस व्हाट इज ए इज 6 बी इज 10 एंड सी इज 8 ओके इस तरीके से आप ले सकते हो वैल्यूज तो 12 माइनस 6 फिर यहां हो जाएगा 12 माइनस 8 और फिर यहां हो जाएगा 12 माइनस 10 करेक्ट चलिए यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ देखिए 12 ऐसे ही रहेगा 12 माइनस 6 कितना होता है 6 इंटू 12 माइनस 8 4 इंटू 12 माइनस 10 कितना होता है 2 होता है करेक्ट नाउ अब देखिए बच्चों बहुत इजी मेरे ख्याल से हो रहा है ये क्वेश्चन किस तरीके से देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हो बताओ 2 इंटू 6 है ना ये वाले 12 को ये 12 को आपने क्या लिखा 2 इंटू 6 और ये वाला 6 ऐसे ही रहेगा और इंटू में 4 इंटू में 2 करेक्ट अब यहाँ से देखिए एरिया कितना आ जाएगा बहुत ईजी है मेरे ख्याल से और सभी बच्चों को डायरेक्ट दिख भी जाएगा इसमें कोई इतना बहुत बड़ा इशू है नहीं देखिए बच्चों ये देखिए ये 6 इंटू 6 कितना होता है 36 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 या फिर आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर 2 6 है ना तो स्क्वायर रूट लोगे तो एक 6 बाहर मतलब बाहर लिखेंगे स्क्वायर रूट के तो एक ही 6 लिखेंगे अब देखो 2 इंटू 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ बच्चों 4 है लेकिन 4 को आप 2 इंटू 2 लिखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा या तो सोच लो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 जैसे सोचना है वैसे सोच लीजिए ठीक है ना 6 2 से 12 2 से 24 ये लीजिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक ये आ गया आपका एरिया मतलब ये देखिए ये ट्राइंगल का एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत सारे बच्चे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर फील नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बता दूं देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है सोचो अगर 1 सेंटीमीटर की लेंथ लें और 1 सेंटीमीटर की ब्रेथ लें मतलब 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ले लें तो ये जो सर्फेस आपको दिखाई पड़ रहा है ये यही क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है करेक्ट अपनी स्केल से एक स्क्वायर बनाइए 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाइए और उसका एरिया देख लो वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है इतने एरिया का कितने टाइम्स है 24 टाइम्स है ये इसका मीनिंग है। बहरहाल अब कॉस्ट कितनी आ जाएगी देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देखिए एरिया इंटू कॉस्ट फॉर 1 यूनिट एरिया ठीक है मींस देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू अब देखो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा है 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये देखिए ऐसे लिखेंगे 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखोगे ठीक इससे क्या फायदा आपको साफ साफ दिखेगा सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो भी यूनिट बचेगी वो पैसे बचेगी ठीक करेक्ट और 100 से डिवाइड कर दोगे तो रुपीज में आ जाएगा क्या दिक्कत है सही है तो यहां से देखिए आ जाएगा आपके पास 24 इंटू 9 ओके अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक ये पैसे में था 24 इंटू 9 किस में था पैसे में 100 से डिवाइड कर दीजिए किस में आ जाएगा रुपीज में करेक्ट तो ये लीजिए 100 से हमने ऐसा डिवाइड लगा दिया तो हमने यहाँ पैसे की जगह क्या लिख दिया आर एस आर एस मतलब रुपीज हमने यहाँ पर लिख दिया करेक्ट चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं देखिए 9 4 का कितना होता है 36 3 जाएगा 9 2 जा 18 18 प्लस 3 कितना होता है 21 तो 216 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा ये 2.16 सबको पता है ना 216 को 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 2.16 रुपीज़ क्या ऑप्शन में दिया हुआ है यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके कर